तो आज हम बात करेंगे पिवट टेबल या रिलेशन पिवट टेबल या पावर पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल का ये लास्ट स्टेज होता है कि मल्टीपल सीट से या मल्टीपल फाइल से डेटा को कैसे हम पिवट टेबल में कंबाइन करेंगे, आज मैं अपनी इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप देखने वाले हैं, आप यहाँ एक सबसे पहले तो हमें एक फाइल की जरूरत है पहले, तो एक डेटा हम सिंपल सा बनाते हैं क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल्स का डेटा है, सेल्स में यहाँ पे हमारे पास आईडी है और डेट, सी आईडी कस्टमर आईडी, पी आईडी प्रोडक्ट आईडी एंड यहाँ क्वांटिटी है हमारे पास। मैं यहाँ पे कुछ डमी डेटा कुछ बना लेता हूँ और हम डेट भी यहां डाल देते हैं और यहां हम पीआईडी और सीआईडी के लिए, यहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ और यहां पे रैम बिट भी लगा के छोटा सा डेटा आपके सामने हमने बनाया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सीआईडी मतलब कि अब वो कलम सीआईडी मतलब वो टीवी वाली सीआईडी नहीं, सोनी की सोनी वाली सीआईडी नहीं सर, सीआईडी मतलब कस्टमर आईडी। तो एक कस्टमर आईडी है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, तो कस्टमर की जो डिटेल है वो कस्टमर की डिटेल हमारी दूसरी सीट में है। जैसे कि यहाँ पे हम एसयूटी कस्टमर का सीट बना देते हैं और यहाँ पे सीआईडी और यहाँ पे नेम और यहाँ पे सिटी और बाकी चीजें भी हो सकती है, मतलब कस्टमर की डिटेल को हम किस अलग सीट पे रख दिए। और यहाँ पे हम दे देते हैं तो डेटा हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे सिटी वाइज देखना है कि टोटल ओवरऑल सेल कितना हुआ है, बट कस्टमर का जो यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, कस्टमर की पूरी इंफॉर्मेशन जिसमें सिटी है दूसरे सीट पे। अगर आप पिवट टेबल में रिलेशनशिप इस्तेमाल ना करें तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे सिटी का कॉलन ऐड करना होगा, वी लुकअप लगाना होगा और सिटी को लुकअप करना होगा। बट ये प्रॉब्लम क्या है कि मेरा डेटा एक बार का हो तो ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि इसमें डेटा डेट वाइज अपडेटेड होता रहता है, तो हर बार और सिर्फ सिटी नहीं और भी बहुत सारे कॉलम्स हमें लेके आने हैं और एक सीट से नहीं कई सीट से लेके आने हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये सिटी कॉलम ऐड करने वाला पोस्टपोन हम करते हैं, या नेम का कॉलम ऐड करने का, हम चाहते हैं पिवट के अंदर ही हो जाए तो हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए एक या दो सीट से करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट कीजिए और पिवट टेबल इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल को इंसर्ट कीजिए, पिवट टेबल इंसर्ट कीजिए, यहां सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, ऐड डेटा टू डेटा मॉडल, ओके कीजिए। थोड़ा सा टाइम फर्स्ट टाइम ही लगाएगा, एक आध मिनट से कम का टाइम लगाएगा। देन सेकेंड डेटा को जाइए और इसको भी पिवट टेबल एड डेटा टू डेटा मॉडल कर दीजिए। अब जैसे दो सीट को करेंगे आपके पिवट, किसी भी पिवट टेबल जो आपका मेन पिवट टेबल उसी पर आते हैं, यहाँ रिलेशनशिप एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले रिलेशनशिप हमारा डीएक्टिवेटेड था, बट अभी आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप हमारा एक्टिवेटेड है। तो इस रिलेशनशिप पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और टूल्स पे यहां जाते हैं, रेंज, मतलब ये रिलेशनशिप क्या हुआ कि दोनों पिवट के बीच में हमें, दोनों सीट के बीच डेटा शीट के अंदर हमें ये बताना होगा कि कॉमन कौन सा है, ताकि उसी बिहाफ पे लगा, जैसे वी लुकअप भी लगाया था ना, लुकअप वैल्यू किया था ना कि यहाँ पे आईडी वहां पे आईडी सेलेक्ट किया था, वही दोनों आईडी बताना पड़ेगा। जितने सेलेक्ट करेंगे वो रेंज, रेंज वन यहाँ पे शो करेगा, रेंज मतलब कि पहली सेल्स वाली सीट, तो यहाँ पे गए और इसकी सीआईडी को ले लिया,
और यहाँ रेंज वन मतलब कि कस्टमर सीट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सीआईडी ले लिया, बट यू कैन चेंज हियर। अब दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, और भी रिलेशन तीसरा भी है, तीसरा भी यहाँ से रिलेशन कर सकते हैं, बट उसको पिवट के अंदर डेटा मॉडल में ऐड करना पड़ेगा। जैसे क्लोज करेंगे यहाँ ऑल पे आप देखेंगे दो रेंज और रेंज वन दोनों यहाँ आ गए। अब आपको कुछ नहीं करना है, पिवट को उठा के मूव करना है। जैसे मुझे सिटी वाइज, मुझे नेम वाइज क्वांटिटी चाहिए। आया समझ में सिप्टेन जी, लकीकांत जी? हाँ सर, आ गया सर। कोई डाउट इसमें सिप्टेन जी जी आपको? सर, ये जो हम लोग एक्सेस में, एमएस एक्सेस में जो करते हैं रिलेशनशिप, जो क्वेरी करते हैं, उसी तरह है ना सर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शिवटेन जी क्या हुआ आज, आजकल आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, नहीं सर सुनाई नहीं दे रहा आपको। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है कि मेरे पास दो सिटी नहीं, दो से नहीं, मेरे पास तीसरा भी है, चौथा भी है, ऐसे कई सारे सिटी है हमारे पास, मतलब कई सारे सीट्स है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का सीट हमने कर दिया, पीआरडी प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट के सीट में मैंने यहाँ पे पीआईडी, यहाँ पे नेम प्रोडक्ट का, यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी नहीं सर एमआरपी करता हूँ, एमआरपी कर दिया। और भी चीजें हो सकती है लेकिन फिलहाल आप तीन लेते हैं क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, और नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया, हमने दिया नेम मतलब प्रोडक्ट का नेम है ना, तो डीबीडी सीडी रैम पीडी और एच, और कुछ एमआरपी अपने हिसाब से डाल देते हैं। अब मुझे क्या करना है इस चीज को देख लीजिए। तो मेरे पास सेल्स है, मेरे पास कस्टमर्स हैं, मेरे पास पीआरडी है, तो मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन भी करना, क्योंकि मेरे सेल्स टीम में सिर्फ क्वांटिटी है, एमआरपी नहीं है, अमाउंट नहीं है, सो वी हैव वांट टू कैलकुलेट। तो मैं बाकी कर देता हूं, और सिर्फ मेरे पास तीन ही सीट नहीं है, कई सारे सीट्स हैं, तो इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है कि कैलकुलेशन आप रिलेशनशिप में करना तो मुश्किल है, नहीं होगा। दूसरा कि बहुत सारे सीट, 5-7 सीटों से अगर हमें रिलेट करना है तो प्रॉब्लम क्या होगी। नहीं होगी कि उतने बार पिवट हमें बनाना पड़ेगा, उतने बार पिवट हमें बनाना पड़ेगा, तो कैसे करें, तो उसका सर ये तो बहुत लॉन्ग मेथड हो गया सर। लॉन्ग मेथड है ना सर। इसके लिए चाहिए आपको पावर पिवट, बट पावर पिवट में दो प्रॉब्लम है। कि पहली प्रॉब्लम है कि ये आपका 2013 ऑनवर्ड है, 13 16 19 इसमें मिलेगा। अच्छा सर, दूसरा ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, इसको आपको फर्स्ट टाइम एनेबल करना पड़ता है। कैसे एनेबल करेंगे, फाइल मेनू बार के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, यहां आपका ऐड इंस, अच्छा और एडिंग्स के अंदर यहां पे हम कॉम एडिंग्स पे जाएंगे एंड गो पे क्लिक करेगा। एंड यहां देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल आ रहा है, हाँ सर। बस इस पे क्लिक कीजिए देन ओके। सर ऐसा मेरा एक क्वेश्चन है सर। आप पूछिए। सर एडिन में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग?
देखिए एडिंग्स में ये आपको माइक्रो वाली क्लास में बताई जाती है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। एडिंग्स में क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं जो कि बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं कर रखा है। आपकी जरूरत है तो अनेबल करें, उसको अनेबल करने से क्या होता है, एक्सेल थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगता है, इसलिए डिफॉल्ट वो डिसेबल करके रखता है। अच्छा तो अगर आप एक्सेल एडिंग्स की बात करें तो यहाँ आपका देखिए जैसे कि एनालिटिक टूल्स है आपका, ये सोल्वर है, यूरो करेंसी टूल्स है, ठीक है ना, आपको चार टूल्स तो यहाँ पर है आपके। अच्छा दूसरा अगर हम कॉम सेटिंग में यहाँ पे कॉम सेटिंग में जाते हैं तो आपके दो तीन और भी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कॉम एडिट्स में गया तो यहाँ आपके देखिए आ रहा है ना मैप, ये पावर मैप है, डेटा स्टीमर है, उसके बाद ये सब एडिशनल फीचर्स है। सर, पावर मैप में क्या कर सकते हैं हम लोग? मैप आ जाता है, ये क्या बोलते हैं उसको, 3D मैप आता है। मतलब ये जो किसी लोकेशन का जो मैप दिखाएगा ना सर? 3D मैप बिंग्स बिंग्स डॉट कॉम से कनेक्ट करके 3D मैप देता है, अच्छा ठीक है ना। और इसके बाद से आपको कोई और एडिंग्स है उसको आप यहां से ऐड कर सकते हैं। ये चीजें हम आपको माइक्रो की क्लास में समझाएंगे, ठीक है। तो ठीक है। यहाँ जो है आपका पावर पिवट का ऑप्शन आ गया, इसमें आपको दिखेगा मैनेज, मैनेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि पावर पिवट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें डेटा आपको ऐड करना पड़ेगा, तो हम एक डेटा ऐड कर दिए, इसका नाम रेंज है यहाँ पे, तो रेंज को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ। यहाँ नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मैं कस्टमर को लिया, कस्टमर को सेलेक्ट किया, अब मुझे पिवट बनाने की जरूरत नहीं है, बस सेलेक्ट करना है यहाँ पे पावर पिवट के अंदर ऐड टू डेटा मॉडल पे जाना है और यहाँ माय डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक करके ओके करना है, यहाँ आपका ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया, इसका नाम चेंज कर दो। नहीं भी चेंज करेंगे बट चेंज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बना हुआ टेबल हुआ रेंज वन इस तरह से दिखाता है। मतलब जनरली ये टेबल बनाएगा सर? जी हाँ, वो बैक क्या कर रहा है कि पिवट का डाटा उठा के अपने बैकएंड में रख दे रहा है, अपने अंदर अच्छा पिवट के बैकएंड में चला जाएगा। अब ये अच्छा क्या करता है PRT, तो सेल्स कस्टमर PRT, सेल्स कस्टमर PRT आ गया, क्लियर है। इन तीनों के बीच में रिलेशन, तो यहां डायग्राम व्यू पे अगर आप जाते हैं ना सर, तो यहीं पे आपको आ जाता है बिल्कुल पिवट एक्सेस की तरह। आप अच्छा यहां से उठाएं, सीआईडी को उठाएं, सीआईडी पे ड्रॉप कर दें, रिलेशन हो गया सर। और यहां आप पीआईडी को उठाएं और पीआईडी पे ड्रॉप कर दें, ऐसे जितने भी है सबको इस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा समझिए। समझ गया, वापस हम डेटा व्यू में आ जाते हैं। डेटा व्यू में आ गए, डेटा में कुछ और ऑप्शन दिख रहा था, सॉरी। अब यहां पे प्रॉब्लम आया कि मुझे कैलकुलेशन भी करना, तो क्वांटिटी है मुझे यहाँ एमआरपी लेके आना है, तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करता हूँ, जैसे पिवट टेबल की कैलकुलेशन वाले पार्ट में किया था आपने ना, बिल्कुल वही। हाँ तो पहले कैलकुलेटेड। यहाँ पे रिलेटेड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जैसे वी लूगर का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे यहाँ पे इसके अंदर रिलेटेड का फॉर्मूला होता है। अच्छा मैंने यहाँ पे उठा लिया, क्या उठाना है हमें, उठाना है इसकी एमआरपी, एमआरपी उठा ली, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किसे, क्वांटिटी से, CTY क्वांटिटी, सेल्स की क्वांटिटी नहीं, सेल्स की क्वांटिटी दिख रहा है आपको। तो एमआरपी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट टोटल एमआरपी टोटल आ गया, बट मुझे सिर्फ एमआरपी चाहिए तो मैं इसको डिलीट हटा देता हूँ, मैं इसके अंदर भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अच्छा इस पे वापस आते हैं, यहाँ लिखते हैं एमआरपी अमाउंट, इसको सेलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि भाई एमआरपी, अब यहाँ पे देखिए एमआरपी सेल्स एमआरपी दिख रहा है ना, ये लेना है, एमआरपी लेंगे नहीं सेल्स एमआरपी लेंगे,
मल्टीप्लाई बाय सेम क्वांटिटी, यहां पे सेल्स क्वांटिटी। अब मान लीजिए मुझे इसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए डेट वाइज, समझे, परसेंटेज कि कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि मुझे सेल्स का टोटल सेल्स का मुझे यहां पे क्या करना है, डिवाइड करना है कि 29 डिवाइड बाय ओवरऑल सेल, तो मैं यहां पे क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है ना सर। यहाँ पे वन आ गया, शायद फॉर्मूला गलत हो गया सर। एक मिनट, सम ऑफ क्वांटिटी करता हूँ क्या आता है, सेम ही दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसमें हम क्वांटिटी कर देते हैं। सर यहां पे सम का फॉर्मूला भी करना है, तो यहां पे क्वांटिटी डिवाइड बाय सम, ओके। अब इसको जब आपका रिपोर्ट फाइनली बन जाए तो पिवट टेबल पे क्लिक करें और यहां आ जाए। पर हर जगह पे जीरो आ गया है, तो क्या ये सही फॉर्मूला है सर? 0.00 करके आया हुआ है, ओके कीजिए, आ गया, तीन सीट यहाँ पे आ गया। तो मान लीजिए चाहिए सेल्स में से परसेंट, यहाँ पे अमाउंट का टोटल और यहाँ पे परसेंटेज, एवरेज ऑफ सम ऑफ परसेंटेज नहीं, मुझे यहाँ पे एवरेज ऑफ परसेंटेज चाहिए, आ गया सर एवरेज, राउंड फिगर में है इसलिए ऐसा दिख रहा है। उसके बाद मुझे यहां से चाहिए आपका नेम ऑफ, यहां चाहिए, यहां पे कस्टमर में से मुझे चाहिए, अब यहां से भी लेना ले सकते हैं, और आप इस पे स्लाइसर भी इंसर्ट करते हैं, स्लाइसर में जाइए, इंसर्ट स्लाइसर, और मैं चाहता हूं मुझे एमआरपी लेना है मुझे इसमें से, उसके बाद ऑल में आते हैं, ऑल में, ठीक है, ऑल में एमआरपी हो गया और यहाँ पे नेम हो गया, सिटी हो गया, इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइसर जो वर्क करेगा तीनों पे वर्क करेगा। अब इसमें और भी है, जैसे डेट है तो डेट के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन कर दीजिए, तो डेट को, डेट को रेफर करता है, तो जो मैं सिलेक्ट करूंगा उसी के अकॉर्डिंग फिर वो वर्क करेगा। इसमें और चीजें भी हैं, इसमें और चीजें भी हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है सर, मैंने जो बताया है इसका बस सिंपल तरीका बताया, बट जब इसको आप 5-7 फाइलों पे करोगे तो जाके आगे की चीजें समझ में आएगी। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह, क्योंकि इसमें फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से जो फॉर्मूले वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो, जो कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो, समझे। यहां पे आप इसका यूज कर सकते, और सिर्फ ये में आप एक्सेल से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑटो सम मैंने लगा दिया ना, ऑटो सम नीचे देखिए सम आ गया इसका अमाउंट का है सर यहाँ पे, तो इस चीज को भी हम करते अपना पिवट में यूज कर सकते हैं, बस आप रिफ्रेश कीजिए। आ गया सर सम ऑफ अमाउंट टू, और कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं।
सर ये जब हम लोग डाटा उस शीट पे हम लोग जितना डाटा ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड होगा सर, जी या हाँ जी उसके हाँ, लिए फिर ये से दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा सर? आपका ऑटोमेटिक होगा सर। इसमें और भी चीजें हैं तो इसकी एक क्लास में दूंगा, जैसे कि आपको यहाँ डेटा मेनू में जब आते हैं तो यहाँ गेट डेटा है जिसमें क्यूरी है, तो क्यूरी और जब पेंट वगैरह इसी पावर पिवट का ही पार्ट है, पावर क्यूरी है, पावर पिवट पार्ट है। तो फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस, क्योंकि अभी तक आपने पिवट टेबल पे भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम जो है आगे की डेटा कनेक्टिविटी क्लासेस में इसको और डिटेल में करेंगे।